अभी अभी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर पीएम मोदी से बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सरकार लगातार दावे कर रही है कि प्रदेश में शांति कायम है। सरकार के इसी दावे पर कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सवालिया निशान लगाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चिंता जाहिर की है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के हालात पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंसा की खबरें आ रही हैं। तो वही उन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के हालत का सच लोगों को बताएं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से यह भी मांग की है कि वह देश और जनता को बताएं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। आई वॉज कॉल्ड बाय द वर्किंग कमिटी जस्ट नाउ बिकॉज बिटवीन द वर्क दैट दे वर डूइंग to choose the next Congress president, some reports have come that things in Jammu and Kashmir are going very wrong. There are reports of violence, there are reports of people dying in Jammu and Kashmir, so we stopped our deliberation on the Congress president issue and we had a presentation on what was going on in Jammu and Kashmir. Now, it is very, very important that the government of India and the Prime Minister makes it very clear and transparent exactly what is happening in the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. We are extremely concerned about reports that are coming and the government needs to assuage the country and tell the country exactly what is happening and be completely transparent. Thank you very much. आपको बता दें इससे पहले शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जम्मू कश्मीर मुद्दे पर एक रिजोल्यूशन पास किया गया है। इसके जरिए पार्टी के राज्य की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की और विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधि मंडल को जम्मू कश्मीर जाने देने की मांग उठाई। वही इस वर्किंग कमेटी की बैठक में जम्मू कश्मीर के नेताओं को हिरासत में लिए जाने की भी आलोचना की। जम्मू कश्मीर मसले पर राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से हिंसा और लोगों के जान जाने की खबरें आ रही हैं। उनका कहना है कि ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री खुले तौर पर देश को बताएं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में क्या हो रहा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने राज्य की वर्तमान स्थिति पर रुख साफ किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बयान जारी कर साफ करते हुए बताया कि पिछले 6 दिनों में राज्य के अंदर फायरिंग की कोई घटना नहीं हुई है। उनका कहना है कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पूरे राज्य में शांति बनी हुई है और तो और कर्फ्यू में भी ढील दी जा रही है। इसके साथ ही श्रीनगर और बाकी शहरों में लोग ईद की खरीदारी में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि श्रीनगर में स्थिति सामान्य हो चली है, लोग अब अपना काम बिना डर भय के कर पा रहे हैं।